हेलो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टी शर्ट बनाने सीखेंगे। टी शर्ट का फार्मूला के साथ टी शर्ट बनाते कैसे हैं, टी शर्ट में कौन सा फार्मूला लगता है, वो सब चीज़ आज सीखेंगे हम लोग टी शर्ट बनाने के लिए। चलिए ठीक है, पहले चलते हैं मेजरमेंट की ओर। ये मेजरमेंट पहले देख लेते हैं। टी शर्ट लेंथ 45, बॉटम 40, चेस्ट 40, बैक नेक ड्रॉप 0.5, आर्म होल 10, शोल्डर 17, नेक विथ 6, फ्रंट नेक ड्रॉप 3.5, स्लीव लेंथ 10 और स्लीव ओपन 14। ये हमारा टी शर्ट का पैटर्न है। जो हमारा बॉटम जो है 40 है, चेस्ट 40 है, तो इसका चौथा भाग होएगा। इसका ऑल राउंड मेजरमेंट है बॉटम का, और चेस्ट का भी ऑल राउंड है। तो ये जब बॉटम होएगा तो इसका ये चौथा भाग होएगा, चौथा भाग यानी 10 होएगा, डिवाइड होएगा इसमें 40 डिवाइड 4 स्क्वायर टू 10 हो गया। उसी प्रकार चेस्ट होएगा, चेस्ट भी फोर्थ भाग होगा, 10 हो गया। नेक ड्रॉप इतना ही रहेगा, आर्म होल 10 रहेगा, हाफ आर्म होल है। शोल्डर है, शोल्डर के फुल शोल्डर है, तो हाफ होएगा, 2 डिवाइड होएगा, 2 डिवाइड होगा इसमें। तो ये 8.5 होएगा। ये नेक विथ, नेक विथ भी हाफ होगा, डिवाइड 2 करेंगे इसको, डिवाइड 2 करेंगे, इक्वल टू 3। ये हो गया, नेक विथ हो गया। फ्रंट नेक ड्रॉप इतना ही रहेगा। स्लीव लेंथ 10 है, स्लीव ओपन 14 है, तो 14 का भी इसका भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे, तो ये 7 होगा। और शोल्डर ड्रॉप 1.5 इंच होगा। ठीक है, ये हमारा मेजरमेंट है। अभी हम लोग पैटर्न डिजाइनर में चलते हैं, जेमिनी पैटर्न डिजाइनर में। ओपन हो गया, जैसे ये ओपन होएगा तो सबसे पहले जो ड्रॉ मोड लेते हैं हम लोग, ये ड्रॉ मोड हो गया, ये ड्रॉ मोड पे क्लिक करेंगे और ये ड्रॉ रेक्टेंगल जो है इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा बॉक्स क्लिक होएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। विथ में लेंथ डालेंगे, लेंथ हमारा कितना था 45 और चेस्ट था 10 10, और 10 और बॉटम था 10, तो 45 लेंथ इसमें 45 डालेंगे। इंटर प्रेस करेंगे, 10 है तो 10 डालेंगे इसमें चेस्ट, इंटर प्रेस करेंगे, वैलिड कर देंगे, ये वैलिड करिए या इंटर प्रेस करते चलिए। ठीक है, अभी नेक विथ हमारा कितना था, अभी शेप मोड में जाएंगे। शेप मोड में जाने के बाद पैटर्न पे क्लिक करेंगे और ये पॉइंट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद नेक विथ कितना है, नेक विथ अगर इसमें नहीं दिया रहता है तो चेस्ट का 12वां भाग होता है, चेस्ट का 12वां भाग नेक विथ निकलता है। और शोल्डर जो है, जैसे चौथा भाग हो गया चेस्ट का, तो उसमें से अगर लेडीज कर रहे तो 1.5 इंच और पुरुष कर रहे तो 1.25 इंच ही ये कम होता है शोल्डर। ठीक है, जैसे नेक विथ अभी हमारा इसमें दिया गया है, तो नेक विथ कितना है हमारा, नेक विथ देखिए, नेक विथ 3 है ना, नेक विथ 6 को डिवाइड किया था 2 से, इंटू 3 हुआ 3 है, और शोल्डर कितना है 8.5 है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्लिक करेंगे, पॉइंट पे क्लिक कर देंगे और क्रिएट न्यू पॉइंट पे जाएंगे। ये क्रिएट न्यू पॉइंट क्लिक करेंगे, डिस्टेंस आएगा यहाँ। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, इस तरफ की जाएंगे, घड़ी हमारी ऐसे चलता है, ये घड़ी हमारा ऐसे चल रहा है, यानी घड़ी की तरफ चलेंगे तो माइनस, और घड़ी का अपोजिट साइड चलेंगे तो प्लस होएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है, यहाँ माइनस प्रेस करेंगे, माइनस प्रेस करेंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 3 है, 3 प्रेस कर देंगे, स्पेस करेंगे, स्पेस करने के बाद माइनस। अब शोल्डर जितना है, आप जो किया था 8.5 था, तो 8.5 यहाँ करेंगे 8.5, और स्पेस मारेंगे 5.5 करेंगे, ये 0.5 के साथ में मेजरमेंट डालेंगे, ये तीनों मेजरमेंट आ जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे, देखिए
ये बैक नेक ड्रॉप हो गया, ये नेक विथ हो गया और ये शोल्डर हो गया, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद ये क्रिएट न्यू पॉइंट जाएंगे। क्रिएट न्यू पॉइंट जाने के बाद हमें माइनस प्रेस करेंगे, जैसे 10 था हमें 10 ले लेंगे, हम आर्मोल का ले लेंगे ये 10। ये हमारा आर्मोल क्रिएट हो गया। अभी जैसे ये हमारा बॉटम जो है, ये हमारा जो बॉटम नहीं है, इसमें थोड़ा मेजरमेंट गलत लग रहा है। जैसे टी शर्ट का है तो ये टी शर्ट का 45 नहीं होगा, 45 ये ज़्यादा हो रहा है, ये 28 होगी, ठीक है, ये 28 है लेंथ। अभी क्या करेंगे, अभी ये जो लेंथ हमने 45 लिया था, अभी इसको अगर कम करना है रिसाइज भी, यहाँ पे ही जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया हमने और सेट ओरिजिन करेंगे, ये पॉइंट पे क्लिक करेंगे, 45 है तो यहाँ पे माइनस प्रेस है, -28, ठीक है। अब इसी इसको भी ऐसा कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, -28, देखिए बराबर हो गया। ये हमारा लेंथ होगा जो होगा टी शर्ट का लेंथ, ये हमने क्लिक कर दिया, अभी टी शर्ट हो गया। ये बॉटम जो है उतना ही है, ठीक है। अभी हमने आर्मोल बनाना है, आर्मोल बनाएंगे तो ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट को खींच के यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये खींचने के बाद इसको शोल्डर ड्रॉप, ये शोल्डर ड्रॉप का जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इसको एचपी पॉइंट भी बोलता है, और यहाँ सेट ओरिजिन पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। ये सेट ओरिजिन पॉइंट पे ओरिजिन करने के बाद ये देखिए ये वाला पॉइंट है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका ये मेजरमेंट जो है नीचे की तरफ है, तो इसको जीरो करेंगे, देखिए स्टेट हो गया। अभी इस पॉइंट को अभी हम स्टेट करेंगे, ये पॉइंट पे क्लिक करेंगे और सेट ओरिजिन करेंगे। ये करने के बाद ये पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जीरो ही बता रही है क्योंकि स्टेट है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करते हैं हम लोग, जूम करने के लिए ये वाला ऑप्शन है जो जूम सिलेक्टेड पीस लिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सीधा नहीं स्टेट ओरिजिन करेंगे और इसको जीरो करेंगे तो यहाँ पे जीरो दिखेगा, ठीक है। ये बड़ा कर लिया हम लोग ने। अभी इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे जब क्लिक करेंगे तो ये शोल्डर ड्रॉप होगा, ये जो होता है शोल्डर ड्रॉप होता है। शोल्डर ड्रॉप आता कहाँ से है, जैसे यहाँ से ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट का मेजरमेंट जो भी रहेगा उसका 6 डिवाइड करेंगे, छठा भाग, तो जितना भी मेजरमेंट निकल के आएगा वो हमें उतना शोल्डर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो इसका शोल्डर ड्रॉप 1.5 इंच है, तो यहाँ माइनस करेंगे 1.5, देखें ये शोल्डर ड्रॉप हो गया, ठीक है, ये शोल्डर ड्रॉप हो गया। अभी ये जो लाइन है आर्मोल का जो लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे और ये डिवाइड सीगमेंट गिवेन नंबर ऑफ पार्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे पार्ट्स का ऑप्शन आएगा, देखिए अगर 2 डिवाइड करना है तो 2 डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे ये पॉइंट आएगा खुल के। ये पॉइंट खुलने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद ये जो माइनस है इसको यूज कर दीजिए, डी वाई में जाएंगे, माइनस प्रेस करेंगे, 0.39 नीचे की तरफ लेंगे, इसका रूल ही यही रहता है, 0.39 ही रहता है, कम ज़्यादा पता नहीं है, 0.39 ही होता है। इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे, ये वाली भी पॉइंट डिलीट कर देंगे, ये भी पॉइंट डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी इस लाइन पे क्लिक करेंगे और ये शेप का जो ऑप्शन है टर्न टू कर्व, इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला भी क्लिक करेंगे और ये टर्न टू कॉर्ट कर दें, ठीक है। अभी इसको आर्मोल की तरफ बना देना है, जैसा आर्मोल हमारा बनता है उस प्रकार से हम लोग इसको आर्मोल बना देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा गड्ढा करेंगे, ये गड्ढा हो गया। अभी इस पर पॉइंट क्लिक करके ये 180 डिग्री करेंगे, ये आर्मोल की तरह हो गया। अभी इस पॉइंट पे नेक पॉइंट का जो है शेप इसको डालने के लिए हम लोग ये टर्न टू कर्व करेंगे, टर्न टू कर्व करेंगे और 90 डिग्री जो है ये 90 डिग्री क्लिक करेंगे। जैसे 90 डिग्री क्लिक करेंगे ये देखिए आर्मोल का शेप हो गया ना, ये शेप अभी इसको बराबर करेंगे, ठीक है।
ये सेफ हो गया। अभी हमारा क्या है, ये बैक बन के रेडी हो गया। अभी इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे सिमेट्री पीस, इसको सिमेट्री पीस बोलते हैं। ये क्लिक किया, ये क्लिक किया और पैटर्न पे क्लिक करी और लाइन पे क्लिक कर दिया। फिर वही टूल्स पे जाके क्लिक करेंगे, ये देखिए टूल्स पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन हो गया। यह हमारा बैग बन करके रेडी हो गया। अब इसी को कॉपी कर लेंगे, पीस मोड जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये क्लिक कर देंगे, ये गया ये गया ए ए, देखिए कॉपी हो गया। अब इसको यहाँ उठा के रख देंगे, इसको नीचे करेंगे। अभी हमें क्या करना है, इसका फ्रंट नेक ड्रॉप बनाना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेट ओरिजिन किया, इसका मेजरमेंट 3.5 है, 3.5 है। यहाँ पे क्लिक किया और ये क्लिक करने के बाद माइनस 3.5, ठीक है, ये क्लिक किया। अभी इसको सेव कर देंगे, ये हमारा गले का आकार है, गले का आकार बन गया, ठीक है। अभी ये फ्रंट बन गया, ये बैक बन गया, ठीक है। अभी ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। अभी स्लीव बनाएंगे, स्लीव जो लेंथ है हमारा, स्लीव का लेंथ 10 है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये स्लीव का लेंथ ले लेंगे। और ये जो आर्मर यहाँ से यहाँ का पॉइंट है, वो वाला भी यहाँ पे लेंगे, ये 10 लेंथ ले लेंगे और ये 8.5 होएगा, 8.5 डाल देंगे, 8.5 इंटर, ये 10, ठीक है, वैलिड। ये बॉक्स बन के आ गया, रेडी हो गया। अभी इस पर क्लिक करेंगे, ये सेफ टूल्स में जाएंगे, ये वाले पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, सेट ओरिजिन करेंगे और इस पॉइंट को सेलेक्ट करके माइनस 4 इंची ड्रॉप कर देंगे इसको, ठीक है। और इसका जो स्लीव ओपन था, स्लीव ओपन यहाँ क्लिक करेंगे, ये वाला पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये जो 8.5 है इसको 7 कर देंगे, 14 था तो इसको 7 करेंगे। आप ये स्लीव ओपन हो गया। अभी इस पर क्लिक करके ये टर्न टू कर्व करेंगे, ठीक है। अभी इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे और ये वाला शेप जो है इसको ये वाला पॉइंट पे क्लिक करके 90 डिग्री ऑप्शन, ठीक है, ये थोड़ा बढ़ा दीजिए इसको और थोड़ा इसको ये अंदर ले लीजिए। देखिए ये स्लीव बन के रेडी हो गया। अभी इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे गारमेंट मोड में, गारमेंट मोड में जाने के बाद क्रिएट सिमेट्री पीस, और ये पॉइंटर पे क्लिक करने के बाद ये पॉइंट जाएंगे, ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये ओपन के पीस करेंगे, सील स्लिप बन गया, रेडी हो गया हमारा स्लिप। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सेंटर में लाएंगे इसको, ठीक है, ये हमारा स्लिप बन के रेडी हो गया, ठीक है। अभी मेजरमेंट करेंगे इसका और इसका स्लिप बराबर हुआ कि नहीं, अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद ये गया और इसकी बाइक का भी लिया मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ पे शो करेगा कितना है, 19.5। तो कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे, यानी कि इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद ये मेजरमेंट यहाँ पे शो करेगा आपका, इसको टेबल के ऊपर ले लीजिए, कर दीजिए इसको, ठीक है, छोटा कर दिया इसको यहाँ पे लिया। ये स्लीव ओपन का क्लिक लेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, ठीक है, ये मेजरमेंट ऐड करेंगे, ये कंपेरिजन आ गया, ठीक है, 19.14 और 19.08। अभी देखते हैं कितना कम आ रहा है। ये पे क्लिक किया, ये बॉक्स आया, ठीक है, ये बॉक्स पे क्लिक करेंगे तब किसको माइनस करेंगे, M5 M3 × M7, ठीक है, M3 − M7 यहाँ पे डालेंगे, M3 − M7, देखिए ये हो गया, कितना हुआ 0.06। तो हमारा ये कम है, तो स्लीव हमें और भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, स्लिप हमारा कम हो रहा है तो स्लिप थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा।
देखिए ये 0.20 हो गया, 20 यानी ये हमारा सही है। अभी ये स्लिप बड़ा हो गया, क्लिक किया, देखिए स्लिप बन के रेडी हो गया, ये भी स्लिप हो गया। अभी इसमें सीम मार्जिन डालेंगे। सीम मार्जिन कैसे डालते हैं, पीस मोड में जाएंगे, ये क्लिक किया और सीम मार्जिन जो है सीम अलाउंस जो कहते हैं इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ भी बटन दिया गया और यहाँ भी दिया गया है, ठीक है, और ये भी है और ये भी ऑप्शन दिया है। अभी इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे मेजरमेंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, सीम एडिट सीम करेंगे और ये मेजरमेंट डाल देंगे एक इंची, ठीक है, जितना भी चाहिए आपको। मेरे को बॉटम में यहाँ पे 0.75 चाहिए, बॉटम में हमने 0.75 कर दिया, 75, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी जाएंगे, यहाँ भी 0.75 करेंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। आइए थोड़ा इसको शेप में डाल देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और प्रीवियस सिमेट्री करेंगे, ये शेप हो गया, ठीक है। अभी इसका नाम लिख दीजिए, ये फ्रंट है, ये फ्रंट लिखेंगे FONT फ्रंट कट वन, एक ही रहेगा बॉडी इसलिए कट वन लिखा। ये बैक है, ये भी एक ही रहेगा तो इसको बैक कट वन लिखेंगे, कट वन, ठीक है, एक ही रहेगा। अभी इसका ये स्लीप जो है ये दो रहेगा तो यहाँ स्लीप कट टू लिखेंगे, स्लीप कट टू, स्लीप कट टू होगा, ठीक है, कट टू हो गया। कट टू जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एफ वाई में अपोजिट में एक ऑप्शन डलाएगा, ठीक है, वन डाल देंगे तो दो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्लिप बन के रेडी हो गया। अभी हमें क्या करेंगे, इसका ग्रेडिंग साइजेस जो होता है, कौन सा साइजेस का बेस बनाया हमने, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डीट साइज में जाएंगे, जनरेट में जाएंगे और डिफाइन में एस एम एल एक्सएल 2XL, 3XL, ये हमारा यहाँ तक मेजरमेंट हो गया। अभी जनरेट करेंगे, वैलिड कर देंगे, हमारा M साइज का है, M साइज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये पीस मोड में जाके इस स्लिप को जो है थोड़ा ऊपर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, इसको थोड़ा नीचे ले लीजिए, ठीक है, इसको भी थोड़ा नीचे, थोड़ा गैप रखेंगे, ठीक है, ये हो गया, ग्रेडिंग मोड में गए। अभी लेंथ जैसे हमें एक आधा इंच का बढ़ाना है, ठीक है, ये लेंथ, लेंथ में हमारा आधा इंच बढ़ेगा तो यहाँ क्या आ जाएंगे, एक्स में जाएंगे, 0.5 बढ़ेगा, ठीक है, इधर की तरफ जाएगा तो 0.5, देखिए 0.5, ठीक है, ये 0.5 हो गया, बॉटम की तरफ हो गया, ठीक है, बॉटम की तरफ हुआ। अभी ये जो वे बॉटम और ये जो यहाँ तक है ये पूरा आधा इंच हमारा है तो कंट्रोल पकड़ के इसको भी करेंगे, अगर सिंगल सिंगल अलग अलग है तो अलग अलग ग्रेडिंग करेंगे, ठीक है, हमारा एक ही है तो एक ही में ग्रेडिंग करेंगे, 0.5 डाल देंगे, ठीक है, 0.5 बड़ा हुआ है, ठीक है, देखिए ये 0.5 डाल दिया, हो गया। अभी यहाँ पे नेक विड्थ अगर है तो नेक विड्थ आप बढ़ाएंगे, हमारा नेक विड्थ नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे। अभी इस पर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, गारमेंट ब्रीडिंग मोड में जाके ये दोनों हमारा आधा इंची है तो आधा इंची बढ़ाएंगे, ठीक है, आधा इंची हो गया। और लेंथ, लेंथ हमारा एक इंच है तो एक इंच बढ़ाएंगे, माइनस एक, ठीक है, ये लेंथ हो गया।
अभी स्लीप ड्रॉप, ये जो ड्रॉप है ये ड्रॉप हमारा यहाँ से इसको कर देंगे, ड्रॉप करके हम लोग देखेंगे माइनस 0.2। अभी यहाँ से जो हम लोगों ने साइजेस डाला था यहाँ पे देखिए शो मेजरमेंट में, यहाँ पे सारा मेजरमेंट हम लोग का शो करेगा। देखिए ये मेजरमेंट शो कर रहा है, हम लोग जो कंपेरिजन किया था ना स्लीप का, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये देखिए स्लीप ये 21 हो रहा है, ये 19 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए ये साइज में 2XL का 19.8 है और ये देखिए यहाँ कितना 22.5, यानी 3 इंच ही बड़ा है, इतना तो हमें चाहिए नहीं ना, तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, ठीक है ये वाला दिखना चाहिए हमें, इसको पहले 0 करेंगे, ठीक है ये 0 कर दिया। अभी देखिए कितना जा रहा है, यहाँ पे क्लिक किया 0 हो गया एक्स में, तो एम देखिए कितना कम ज्यादा हो गया, ये कम ज्यादा हो गया, ठीक है अभी इसको ये ग्रेडिंग जो है जब जैसे 0.20 है ना, इतना ही सबको ग्रेडिंग करना है, मतलब सब 0.25 क्वार्टर इंची तक बड़ा होना चाहिए, ठीक है क्वार्टर इंची तक बड़ा होना चाहिए हमारा स्लीप। यहाँ पे गए 0.7, ये 0.5। ओ देखिए आर्मोल ड्रॉप जो है ना हमारा, ये ड्रॉप नहीं हुआ इसके लिए ऐसा हो रहा है, ये आर्मोल ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, ये गया और इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला क्लिक करेंगे और आर्मोल ड्रॉप जो है माइनस 0.5, ये ड्रॉप गया। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे 0.5 है, 0.6 डाल देंगे, ठीक है ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ये हो गया। अभी इस पर क्लिक करेंगे माइनस 0.12, नहीं ज्यादा हो रहा है, अभी ये सबको किसी में 0 करना पड़ेगा, देखें 0 28 हो गया, 0 हो गया, इसको भी 0 करेंगे, देखें इतना ठीक है, ये हमारा चलेगा, ठीक है अभी इसको क्या करेंगे 0 करेंगे, 21 हो गया, ये हमारा 18 10 18 31 सब बराबर हो गया, ये हमारा ग्रेडिंग पूरा ओके हो गया, ठीक है अभी इसको सेव कर देंगे, ये हमारा फ्लोटिंग के लिए जाना रेडी हो गया, ठीक है ये ग्रेडिंग हम लोग ऐसे ही करते हैं, ये हो गया। अभी हम लोग बढ़ा के भी देखेंगे इसको, ये नीचे करेंगे, एस पे क्लिक किया, देखिए पैटर्न बढ़ रहा है, देखिए पैटर्न बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, देख रहे हैं ये पैटर्न बन के रेडी हो गया, ठीक है।